अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है निदा हमाद, मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है कीटोजेनिक डाइट। कीटोजेनिक डाइट वैसे एपिलेप्सी के पेशेंट्स को दी जाती है, लेकिन चूंकि इसको इनटेक करने से आपका वेट रिडक्शन होता है, तो वेट लॉस करने के लिए कुछ लोग इसको इनटेक करना शुरू हो गए। कीटोजेनिक डाइट की बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, बहुत सारे नुकसान भी हैं। सबसे पहले इनकी बेसिक मैकेनिज्म की बात करते हैं। चूँकि हमारी बॉडी, हम कार्ब्स इनटेक करते हैं, प्रोटीन फैट सब कुछ इनटेक कर रहे होते हैं, तो कार्ब से बेसिकली हमें ग्लूकोज मिलता है जो ग्लाइकोजन की फॉर्म में हमारे लिवर में स्टोर हो रहा है। और जब जब हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है तो हमारी बॉडी जो है उस ग्लाइकोजन को ब्रेक करके उस ग्लूकोज से जो है एनर्जी लेती है। लेकिन जब आप अपनी डाइट से कार्ब्स को कट कर देते हैं तो आप फिर आपकी बॉडी जो है वो फैट जो आपकी बॉडी में स्टोर है उससे एनर्जी लेना शुरू कर देती है। उस प्रोसेस को आप कीटोसिस कहते हैं। इसी कीटोसिस से ही कीटोजेनिक डाइट निकली है। तो उसमें बेसिकली ये है कि आप कार्ब्स को डिटॉक करते हैं, प्रोटीन्स और फैट अपनी बॉडी में इनटेक करते हैं। अब जो फैट की मिकदार है वो आप ज़्यादा रखते हैं, जैसे 75% अपनी डाइट में, साथ साथ आप प्रोटीन भी इनटेक कर रहे हैं वो भी, लेकिन वो थोड़ी मिकदार में होती है, और कार्ब्स भी लेते हैं वो भी तकरीबन 5% इनटेक करते हैं आपने टोटल जितनी आप इनटेक कर रहे हैं कैलोरीज। कीटोजेनिक डाइट के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि एपिलेप्सी के पेशेंट्स को हम देते हैं। दूसरा ये है कि वेट रिडक्शन में इसको इस्तेमाल किया जाता है। हमारी बॉडी में जब हम कीटो डाइट इनटेक करते हैं तो कार्ब्स को डिटेक्ट करके फैट्स को हम ज़्यादा लेते हैं, जिसकी वजह से फैट्स बर्निंग होती है। तो फैट जो बर्न होता है, कीटोसिस का प्रोसेस होता है, और आपकी बॉडी में जो एक्सेसिव फैट है या फैट जो स्टोर हुआ हुआ था वो ख़त्म होने शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वेट लॉस होता है। इसका एक और फ़ायदा भी ये है कि आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फैट्स में HDL पाया जाता है जो कि आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। नुकसान आपकी तरफ आते हैं। सबसे पहला ये है कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। उसमें यह है कि चूँकि हम फैट इनटेक करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल और LDL के लेवल्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से हमारे ट्यूब्स में फ़ैट जमा हो जाता है, और हाई ब्लड प्रेशर और साथ साथ हार्ट अटैक जैसे कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो हमें फेस करने पड़ सकते हैं। तीसरा इसका नुकसान ये है कि ये लिवर और किडनीज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। अब चूँकि आप फैट इनटेक करें तो आपकी बॉडी में जो है वो यूरिक एसिड आपका बहुत ज़्यादा भर जाएगा, ठीक है, और साथ साथ आपकी किडनी को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा अपने जो है वो क्लीनिंग करने में, सारा कुछ फिल्ट्रेशन करने में काफ़ी इसको टाइम लगेगा, तो इस वजह से उस पर बहुत स्ट्रेस पड़ जाता है, जिसकी वजह से किडनी स्टोन जैसी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं आपको फेस करनी पड़ती हैं। लिवर पे इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट है, आपको हाइपरलिपिडीमिया हो सकता है, और इस तरह के और बहुत सारे जो हैं कॉम्प्लिकेशंस वो आपको हो सकते हैं। दूसरा इसका नुकसान ये है कि आपको फ्लू लाइक कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, जिसमें आपको डिजीनेस, फटीग और मज़ीद कॉम्प्लिकेशन जैसे कॉन्स्टिपेशन हो गया, डायरिया हो गया, आप हर वक्त थका हुआ महसूस करते हैं, आपको जो है वो डिहाइड्रेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो जाता है बेसिकली, तो इस वजह से आपको ये सारी कॉम्प्लिकेशंस जो है वो फेस करनी पड़ती हैं, कि आपको नौजिया हो रहा है, पेन हो रही है बहुत ज़्यादा, आप हर वक्त जो है वो थका हुआ महसूस कर रहे हैं, विजन आपका ब्लर हो रहा है, तो इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको फेस करने पड़ सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि आपकी बॉडी में मिनरल्स और विटामिन जो हैं वो उसकी काफ़ी डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि आप फैट ही ले रहे हैं, फ्रूट्स नहीं ले रहे, वेजिटेबल्स नहीं ले रहे, ग्रेन्स नहीं ले रहे, तो इसकी वजह से मिनरल्स और विटामिन जो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं, बालों के लिए बहुत अच्छे हैं, चूँकि आप वो इनटेक नहीं करेंगे तो इसकी वजह से काफ़ी और कॉम्प्लिकेशंस भी आपको हो जाएंगी, फ्लेकी स्किन हो गई है या आपका हेयर फॉल शुरू हो गया है। आपका वेट रिडक्शन तो हो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, तो इसलिए मैं अपने पेशेंट को कीटो डाइट रिकमेंड तो करती हूँ, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। यानी अगर वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, इस डाइट को लेना चाहते हैं, तो लाइक फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, जैसे 2 महीनों के लिए इस्तेमाल कर लिया, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये अब आपकी बॉडी ने जैसे कि 3 वीक्स आपको लगेंगे, 3 वीक्स आपको लगेंगे इस चीज़ को स्विच करने में। पहले तो आपकी बॉडी ग्लूकोज से एनर्जी ले रही है, फिर 3 वीक्स आपको लगेंगे कि वो आपकी बॉडी जो है वो फैट से जो है वो उसको ब्रेक डाउन करके एनर्जी ले। तो जब वो स्विच हो जाती है तो आपकी बॉडी में एकदम से चेंजेस आते हैं। अब वो स्विच हो गई है, अब आपने अगर कीटोजेनिक डाइट रोकी भी है ना, तो उसमें यह है कि उसको वापस जाने में बहुत टाइम लगेगा। यानी कि आप कार्ब्स भी इनटेक करना शुरू कर दें, फिर भी आपकी बॉडी जो है वो फैट से ही जो है एनर्जी बना रही है,
तो वो एक बहुत ही बॉडी के लिए एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि बॉडी इस चीज़ के यूज़ टू नहीं होती. वो पहले कीटो डाइट से ले रही है एनर्जी और फिर वो एकदम से दोबारा आप कार्ब्स देना शुरू कर दें. तो इसकी इसको मेंटेन रखने का जो वो काम है ना, वो जो पूरा प्रोसेस है वो काफ़ी मुश्किल होता है, यानी कि इसके ऊपर अमल करना काफ़ी मुश्किल है. तो इसलिए मैं अपने पेशेंट्स को ज़्यादातर ये रिकमेंड नहीं करती, क्योंकि इसके फ़ायदे तो हैं लेकिन उससे ज़्यादा इसके नुकसान आते हैं. जब आप कीटोजेनिक डाइट ले रहे हो तो अपनी पानी का इंटेक आप बहुत अच्छा रखेंगे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि क्योंकि आपको डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो इस वजह से मैं पेशेंट को रिकमेंड करती हूँ कि 8 से 10 ग्लास पानी का जो है वो इनटेक करें. दूसरा ये है कि एक्सरसाइज आपको ज़रूर करनी होती है. उसकी वजह यह है कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे और कीटो डाइट ले रहे हैं, अपने अंदर फैट इनटेक कर रहे हैं, तो वो फैट इवेंचुअली बिल्डअप ही होती जाएगी. उसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं है कीटोजेनिक डाइट लेने का. तो अगर आप कीटो डाइट ले रहे हैं तो आपने उसके साथ साथ एक्सरसाइज भी करनी है. वो आपके स्टैमिना पर डिपेंड करता है कि आप कितनी कर सकते हैं. स्टार्टिंग में जैसे आपने 10-15 मिनट से स्टार्ट करें, फिर इवेंचुअली उसको बढ़ाते जाएं, लाइक 30 मिनट्स एंड 40, और फिर इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता से उसको. उसका ये फ़ायदा है कि आप जब एक्सरसाइज करेंगे, एक्सर्शन करेंगे, आपको स्वेटिंग होगी, आपका फैट ब्रेक डाउन होगा, और फिर जो है आपको कीटो डाइट का फ़ायदा होगा. कीटो डाइट को हम ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल नहीं करते. मैंने इसके नुकसान आपको ऑलरेडी बता दिए. अगर आपकी किसी भी किस्म की क्वेरीज हैं तो ये स्क्रीन पे नंबर मेंशन है, इस पे आप व्हाट्सएप करके हमसे रابطہ कर सकते हैं.